हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लाई हूँ अमेजन हॉल वीडियो, अमेजन फैशन हॉल वीडियो। सो गाइस, जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज वीडियो में, उन सबके जो बाय लिंक है, इंडिविजुअल बाय लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और माय हॉल स्टोर का लिंक अवेलेबल है, जिसमें आप सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो। जो भी मैंने आज तक हॉल वीडियोस किए हुए हैं, वो आपको माय हॉल स्टोर में जाओगे, आप जो माय हॉल स्टोर का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने मेरे बेटे के लिए, वंश के लिए एक सेट मंगाया है, टॉप और बॉटम का। सो इस तरीके से ये है टी शर्ट। मुझे इसका प्रिंट काफी अच्छा लगा और कलर भी काफी अच्छा है। सो इस तरीके से ये है टी शर्ट। ये फ्रंट साइड है और बैक साइड प्लेन आएगा और फुल स्लीव्स में आएगा। फैब्रिक काफी अच्छा है, कंफर्टेबल रहेगा पहनने के बाद। सो इस तरीके से ये है टी शर्ट। आप प्रिंट देख सकते हो, काफी अच्छा प्रिंट है। यहाँ पे हे लिखा हुआ है। सो इस तरीके से यहाँ पे टॉप है और ये देखिए, बहुत ही प्यारा पीस है। इसमें दूसरे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मैंने ये कलर मंगाया, मुझे ये कलर काफी अच्छा लगा। सो ग्रीन कलर मंगाया मैंने। सो ये है टॉप। सो गाइस, इसका बॉटम है ब्लैक कलर में। बॉटम में आप देख सकते हो, एक साइड इस तरीके से प्रिंट आएगा, बहुत ही क्यूट सा प्रिंट है और ब्लैक कलर का बॉटम है, ये देखिए। सो एक मैंने सेट मंगाया है। इसमें जो दूसरे भी कलर ऑप्शन है वो भी काफी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन है। सो ये एक मैंने वंश के लिए मंगाया। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने ये एक कॉम्बो मंगाया था नाइट सूट का, वंश के लिए ही मंगाया था। बट आप इमेज देखोगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा एक ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। जो मैंने मंगाया उसमें ब्लू कलर सही मिला है मुझे, बट ये दूसरा एक पीस मिला है जो अलग पीस है, जो ग्रीन कलर नहीं है। सो ये अलग डिजाइन मिला है मुझे, जो मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे नहीं मिला है। बट ये भी अच्छा ही है, सिर्फ प्रिंट अलग है और कलर अलग है, बाकी क्वालिटी अच्छी है। सो मैं आपको इसका प्रिंट दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छा प्रिंट है। ये देखिए, इस तरीके से नाइट सूट है ये। ये शर्ट आएगा, नाइट सूट का टॉप है ये और बटन में है, शर्ट टाइप में है। फैब्रिक काफी अच्छा है और प्रिंट भी काफी क्यूट सा प्रिंट है, ये देखिए। कॉटन फैब्रिक है इसका, काफी अच्छा फैब्रिक है। सो ये एक पीस है, इसके साथ बॉटम है। सो ये रहा इसका बॉटम, सेम प्रिंट आएगा जो आपने शर्ट में प्रिंट देखा, सेम वैसे ही बॉटम में भी आएगा। बट मुझे इसके साथ जो दूसरा ग्रीन कलर था ना, ब्लू और ग्रीन का कॉम्बो था, मुझे ग्रीन कलर चाहिए था बट नहीं मिला। एक तो ब्लू कलर मुझे सही मिला है और एक दूसरा ये सेम दूसरा भी ब्लू कलर में ही मिला है, मुझे ग्रीन कलर में चाहिए था और प्रिंट भी अलग ही है। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्वालिटी अच्छी है। सो इस तरीके से ये है दूसरा जो कॉम्बो का पीस है ना, उसमें इस तरीके से प्रिंट आएगा। प्रिंट आएगा दूसरा है, लेकिन मुझे मिला ये प्रिंट है। सो ये शर्ट है और ये उसका बॉटम सेम प्रिंट में। सो ये सेकंड प्रोडक्ट मैंने वंश के लिए मंगाया था। अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने एक मेरे लिए टॉप मंगाया है, इस तरीके से आएगा। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, रेयन फैब्रिक का है और कलर भी काफी अच्छा है, ये आप देख सकते हो। इसका स्लीव्स भी मुझे काफी अच्छा लगा, ये देखिए इस तरीके से स्लीव्स आएगा। सो ये है टॉप, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड सेम प्रिंट है। सो ये है टॉप, क्वालिटी काफी अच्छी है। इनकेस अगर आपको परचेस करना हो तो इसका जो बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो इस तरीके से टॉप है। इसमें और भी काफी अच्छे अच्छे अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर्स के ऑप्शन थे, तो भी आप देख सकते हो। अगर आपको उनमें से भी कोई अच्छा लगेगा तो आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि उन सारे डिजाइन बहुत ही अच्छे अच्छे थे। सो मैंने ये मेरे लिए परचेस किया हुआ है। तो गाइस, सेकंड मैंने ये मेरे लिए टॉप मंगाया है, जो इस तरीके से स्लीवलेस आएगा पूरा, ये देखिए इस तरीके से आएगा। यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न है। सो पूरा प्रिंटेड है, आप देख सकते हो, फ्लोरल प्रिंट है। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड सेम प्रिंट आएगा। सो ये मैंने मेरे लिए मंगाया है टॉप। इसमें भी और दो तीन कलर ऑप्शंस थे
और प्रिंट के भी अलग अलग ऑप्शंस थे, एक तो ब्लैक प्लेन था वो भी काफी अच्छा था, बट मैंने ये प्रिंटेड मंगाया। सो ये मैंने मेरे लिए टॉप मंगाया है। सो गाइज नेक्स्ट मैंने ये स्वेट शर्ट मंगाया है मेरे हस्बैंड के लिए, मुझे इसका प्रिंट काफी अच्छा लगा, ये आप प्रिंट देख सकते हो, क्वालिटी भी काफी अच्छी है, हुडेड स्वेट शर्ट आएगा ये देखिए इस तरीके से, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है, इसमें फ्रंट साइड जिप नहीं है, तो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे फ्रंट साइड दोनों साइड पॉकेट्स है यहाँ पे, सो बहुत ही प्यारा पीस है, इसमें काफी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस थे, मैंने ये नेवी ब्लू में मंगाया है, बट इसके अलावा और भी काफी कलर ऑप्शंस है, रेड है, ब्लैक था, काफी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस थे, सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे कलर्स में भी सिलेक्ट करके परचेस कर सकते हो, क्योंकि कलर ऑप्शंस काफी है इसमें। सो इस तरीके से मैंने ये स्वेट शर्ट मंगाया है मेरे हस्बैंड के लिए, बट इसमें यह है कि मैंने जो मंगाया है ना, ये जो है ना उनको छोटा पड़ रहा है, साइज छोटी है, तभी मुझे बड़ी साइज मंगानी पड़ेगी। सो इस तरीके से ये है स्वेट शर्ट। सो गाइज नेक्स्ट मैंने ये क्रॉप टॉप मंगाया था मेरे लिए, ये देखिए इस तरीके से आएगा, बट मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, रेयॉन फैब्रिक है बट आप देख सकते हो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, एक ये देखिए इस तरीके से आएगा, बॉट्स सी थ्रू होगा ये, और ये है फ्रंट साइड और ये बैक साइड, ये जो रेयन का फैब्रिक है ना गाइज वो भी ठीक ठाक ही है, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, तो शायद मैं इसको रिटर्न करूँ, बट देखती हूँ पहनने का कैसा लगता है। तो इसमें काफी दूसरे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं व्हाइट कलर में मंगाऊँ, अगर ये अच्छा रहेगा तो मैं और भी कलर दूसरे मंगाऊंगी, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। सो ये है क्रॉप टॉप है। सो गाइस नेक्स्ट मैंने ये टमी टकर मंगाया है इस तरीके से, टमी है मेरा थोड़ा सा, आफ्टर डिलीवरी के बाद मेरी टमी थोड़ी सी दिखती है, सो उसके लिए मैंने ये मंगाया है टमी टकर, और इसका जो रिव्यू मैंने अमेजोन में देखा था बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज थे, सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है, बट एक बार पहनूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये वर्क करता है कि नहीं, बट रिव्यूज देख के तो मुझे ऐसा लगा था कि जरूर वर्क करेगा। सो इस तरीके से ये टमी टकर मैंने मंगाया है, काफी यूजफुल रहेगा ये, अगर वर्क करेगा तो काफी यूजफुल रहेगा। सो ये है टमी टकर। सो गाइस नेक्स्ट मैंने ये कैन कैन स्कर्ट मंगाया है, ये देखिए, हम मोस्टली जब लहंगा चोली परचेस करते किसी किसी लहंगे में कैन कैन नहीं आता है, और मैंने सोचा क्यों ना मैं कैन कैन स्कर्ट ही मंगा लूं, अगर कैन कैन नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ये स्कर्ट काफी यूजफुल रहेगा, तो इसका भी मैंने रिव्यू अमेज़न में पढ़ा था, काफी अच्छा इसका जो वर्क करता है ना, ये काफी अच्छा वर्क करता है, और रिव्यू काफी अच्छे अच्छे थे, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं परचेस करूँ। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं वीडियोज बनाती हूँ लहंगा चोली साड़ीज और ड्रेसेस का, जो भी मैं वीडियोज बनाती हूँ सब आप मुझसे परचेस कर सकते हो, बट ये जो है ना मैंने लहंगा चोली के लिए मंगाया है, तो अभी मैं जो भी लहंगा चोली पहनूंगी ना तो आपको ये स्कर्ट पहन के दिखाऊंगी, तो आपको उसका लुक कैसा आता है लहंगा चोली का तो आपको पता चलेगा, और अगर आपको कैन के नहीं भी होता है ना तो आप ये एक बार इन्वेस्ट कर लीजिए, इसमें काफी यूजफुल रहेगा, आप कोई अनारकली ड्रेस भी पहनते हैं ना तो उसमें भी ये काफी अच्छा लगेगा, आप इवनिंग गाउन भी पहन रहे हो तो उसके लिए भी कैन कैन स्कर्ट काफी यूजफुल रहेगा, सो ये एक बार आप इसमें इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको यूजफुल रहेगा। सो ये देखिए इस तरीके से स्कर्ट आएगा, बहुत ही प्यारा पीस है और क्वालिटी काफी अच्छी है गाइस, ये देखिए यहाँ पे नेट है और ये इलास्टिक आएगी यहाँ पे, तो इस तरीके से ये है कैन कैन स्कर्ट, इनके साथ अगर आपको परचेस करना होगा गाइस तो इसका जो बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली वहां पे जाके परचेस कर सकते हो, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है, और आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको सही में यूजफुल रहेगा, तो इस तरीके से ये है कैन कैन स्कर्ट। सो गाइज ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का जो हॉल वीडियो था वो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।